नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए कुकड़ेश्वर नगर की विशेष बड़ी खबर। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। संगठन को मजबूत करके संगठन के साथ रहकर चलने के लिए हमें संगठित रहना होगा। पार्टी को सर्वोपरि मानकर आगामी रणनीति सभी को एक जाजम पर बैठकर बनाना होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम सभी सिपाही हैं, न कि व्यक्ति विशेष के। इसलिए हमें पार्टी हित के लिए संगठित रहकर आगामी चुनाव में बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक कार्य करना होगा। उक्त बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आदेशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुलदीप इंदौरा के दिशा निर्देश में नीमच जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर से लेकर मंडलम स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके तहत मनासा तहसील के कुकड़ेश्वर ब्लॉक के कुकड़ेश्वर मंडलम की बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी नरेंद्र नाहटा ने कुकड़ेश्वर रेस्ट हाउस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कही। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप रोदवार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोरमा मुंदड़ा, पूर्व मंडी प्रतिनिधि नंदलाल मालवी, पूर्व सरपंच कारूलाल भानपिया, अमृत पंचोली, सुभाष जैन, मंडलम अध्यक्ष जसवंत सिंह चंद्रावत, सेक्टर अध्यक्ष घीसालाल जाट, जगदीश कछावा, राजू पटेल, जिला महामंत्री हरिद्वार बैरागी, ब्लॉक महामंत्री मुकेश जिगर, राजूदास बैरागी, ब्लॉक उपाध्यक्ष पूरालाल अबीद, पूर्व पार्षद महेश टोड़ावाल, बलवंत खींची व देवीलाल रावत, मुकेश बैरागी, गोपाल भानपिया, जसवंत दायमा, कारूलाल रावत, लाल सिंह गुजर, राजू मालवी, गोविंद बिलोदिया, गुड्डा धामनिया, उदयराम सालवी, योगेश मालवी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मंत्री का स्वागत ब्लॉक कांग्रेस के बैनर तले सभी पदाधिकारियों ने किया। नाहटा ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की एवं सभी से संगठित व संगठन को मजबूत बनाने को कहा। उक्त जानकारी दिलीप रोदवार ब्लॉक को अध्यक्ष ने दी। क्या कहा नरेंद्र नाहटा ने, देखिए। आज किस संबंध में यहाँ पे बैठक थी? कांग्रेस की संगठन की बैठक थी। हमारे मंडलम के अध्यक्ष, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष और कार्यकर्ता थे और हमने संगठन संबंधी बातों पर चर्चा की। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में चर्चा की और सब कार्यकर्ताओं ने, खास करके सेक्टर अध्यक्षों ने, मंडलम अध्यक्षों ने यह आश्वासन दिया कि वो अपने क्षेत्र में कुछ गतिविधियां करके और कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। कल लगभग कुकड़ेश्वर में नगर परिषद में कल और आज दो दिवसीय कार्यक्रम है। वो ये बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास है उनकी अंतिम किस्त व प्रथम किस्त इनके माध्यम से कल वहाँ वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। तो इसे क्या माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए ये आयोजन आयोजित किया जा रहा है? वो जनता के हित की बात नहीं करते हैं, वो अपने चुनाव के हित की बात करते हैं। जो जिस तरीके की निर्माण हो रहे हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है प्रधानमंत्री आवास में, वो दुनिया जानती है। अब वो उसको केवल ये है कि चुनाव का, जब भी चुनाव आने लगते हैं तब उनको पहले ये याद आ जाता है और इस तरह के आयोजन वो करने लगते हैं, सरकार के खर्चे पर अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। ये कोई बहुत ठीक नहीं, लेकिन जनता इन बातों को समझती है। कल एक हृदय विदारक घटना जो सिंगोली क्षेत्र में घटी, उसे क्या मानते हैं आप? उसे ये मानता हूँ कि समाज में किस तरह का परिवर्तन इन सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी भोपाल में और दिल्ली में सरकार चला रही है, तब आया है कि आज एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, एक आदिवासी के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ और उन लोगों का साहस ये हुआ कि उनने उसका वीडियो बनाया गाड़ी से खींचते हुए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक घटना इस देश में और क्या हो सकती है। हम सब शर्मिंदा हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और वो जो प्रमुख आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, उसको बचाने की कोशिश मत करिए। अभी दो चार दिन पूर्व मनासा में एक
एक अनहोनी जो घटना देखने को आई कि एक बाइक पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता स्वयं बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगा कर घूम रहा था, उसकी आत्मा बोल रही होगी इसलिए किया होगा उसने कहा। तो क्या लगता है कि आगामी समय में कांग्रेस पूर्ण, अब भारतीय जनता पार्टी में देखो सत्ता की जितनी बुराइयां आना चाहिए वो सब आ गई हैं, तो जो कार्यकर्ता ईमानदार है निष्ठावान है उसको लग रहा है कि अब ये वो जनसंघ के जमाने की पार्टी नहीं रही है, अब ये पार्टी तो सत्ता वाली पार्टी हो गई है, तो वो जब भ्रष्टाचार देखता है वो गलत बातें देखता है तो कहीं ना कहीं या तो पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर इस तरह की बातें बोलता है, उसको भी बुरा लग रहा है और उसको लग रहा है कि जनता नाराज़ हो रही है उससे। वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश में पुनः चुनाव किया जाए तो सरकार किसकी आ सकती है? आ सकती नहीं, आएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जाने वाले हैं लोग। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।